तो दोस्तों गोरखपुर महानगर में जल्द ही मेट्रो परियोजना के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। बता दूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस परियोजना की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को आगे की कार्रवाई तेज करने के लिए भी कह रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को UPMRC यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भेज दिया गया है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही गोरखपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन हो जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य भी अगले 5 महीनों के अंदर ही शुरू हो सकेगा। लेकिन दोस्तों गोरखपुर मेट्रो कितनी शानदार होने वाली है और इसका रूट क्या है, कितनी लागत से इसे बनाया जा रहा है, आज की वीडियो में हम इसे अच्छे से समझेंगे। और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दें गोरखपुर मेट्रो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक अपकमिंग मेट्रो है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई है उसके मुताबिक गोरखपुर में मेट्रो के लिए 2 कॉरिडोर होंगे। दोनों कॉरिडोर पर कुल 27 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर श्याम नगर से सूबा बाजार तक होगा। ये रूट करीब 16.95 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 16 स्टेशन श्याम नगर, बरगदवा, शास्त्री नगर, नथमलपुर, गोरखनाथ मंदिर, हजारीपुर, धर्मशाला, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय, मोहद्दीपुर, रामगढ़ताल, एम्स, मालवीय नगर, MMMTU, दिव्य नगर और सूबा बाजार स्टेशन बनाए जाने हैं। वहीं दूसरा कॉरिडोर गुलिहार से कचहरी चौराहे तक 10.46 किलोमीटर लंबा होगा और इस रूट में गुलरेहा, BRD मेडिकल कॉलेज, मुगलहा, खजांची बाजार, बशारतपुर, अशोक नगर, विष्णु नगर, अशुरन चौक, धर्मशाला, गोलघर और कचहरी चौराहा मिलाकर कुल 11 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसके मुताबिक गोरखपुर मेट्रो में लगभग 4,672 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इसी के साथ ही एक अनुमान हमारा भी है कि ये वीडियो गोरखपुर के सभी लोगों तक जरूर पहुंचे और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब मुद्दे पर आते हैं, आपको बता दूं लाइट मेट्रो की लाइन के ट्रैक के किनारे फेंसिंग लगाने का प्लान है। फुटपाथ को बंद कर इसे लाइट मेट्रो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जहां रोड पर मुमकिन नहीं होगा वहां ओवरहेड बनाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर पिलर के लिए करीब 2.25 मीटर जमीन की जरूरत होगी। वहीं ट्रेन की लंबाई के 1/3 हिस्से में ही प्लेटफॉर्म पर शेड लगेगा। साथ ही इक्विपमेंट रूम प्लेटफॉर्म के नीचे अंडरग्राउंड तैयार किए जाएंगे। हालांकि इसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट, सामान की जांच के लिए एक्सरे स्कैनर, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर की सुविधा लाइट मेट्रो में नहीं होगी। फिलहाल महानगर में जिन रूटों से मेट्रो गुजरेगी उस पर 4 लेन और 6 लेन निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से गोरंग तिराहा होते हुए मोहद्दीपुर तक 4 लेन बन चुका है। इसी तरह मोहद्दीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कोड़िया तक 4 लेन का काम आखिरी पड़ाव में है। चूंकि 4 लेन के डिवाइडर पर ही मेट्रो के लिए पिलर बनने हैं, ऐसे में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ गुलरेहा से मेडिकल कॉलेज, अशुरन होते हुए धर्मशाला तक भी पिलर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि लाइट मेट्रो कैसे मेट्रो से अलग होती है। तो आपको बता दूं लाइट मेट्रो का कॉरिडोर सड़क के समानांतर जमीन पर ही होता है। इसका स्टेशन बस स्टैंड की तरह तैयार किया जाता है। इसमें 3 से 4 कोच होते हैं और 3 कोच की इस मेट्रो में 300 लोग सफर कर पाते हैं। इस मेट्रो लाइट का स्टेशन आम मेट्रो के मुकाबले साइज में छोटा होगा। वैसे दोस्तों अब इसकी DPR तो तैयार हो गई और जैसा कि योगी जी ने पिछले महीने कहा था कि इसका निर्माण कार्य 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ इसका काम जल्दी शुरू हो जाए और इसकी जो डेडलाइन रखी है यानी साल 2024 में गोरखवासी अपने शहर में मेट्रो में सफर कर सकें। तो दोस्तों ये थी गोरखपुर मेट्रो की डिटेल और अपडेट। पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।